स्टूडेंट्स, हमने हमारे पार्ट वन में भाषा के बारे में सीखा था। अब उससे ही रिलेटेड जो हमारा आगे आता है वो है लिपि। अब सबसे पहले भाषा की जो डेफिनेशन है उसको रिकॉल कर लेते हैं, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को अपने विचार और भाव को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। उसके प्रकार कौन कौन से थे? दो प्रकार, मौखिक और लिखित। उसके साथ मैंने बोली के बारे में भी आपको बताया था कि हम अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर बोलियाँ जो है बदलती रहती है, और उसके साथ आपको वर्ड्स की और एनिमल्स की जो लैंग्वेज है उसके बारे में बताया था। उतने तक आप सबने पढ़ा होगा और लिखा भी होगा। अब सेकेंड जो हमारे प्रकारों का हमारा आता है वो है, यहाँ पर भाषा क्रिया हो गया, सेकेंड जो हमारा चैप्टर प्रकार आता है वो है लिपि। क्या है तो लिपि? आपको इससे पहले मैं थोड़ा समझाना चाहूंगी कि मैंने अगर आपको यह चैप्टर आज सिखा दिया है, अब आपको 2-3 महीने के बाद या ईयर के एंड में मैं बोलूंगी कि मैंने उस दिन आपको सिखाया था कि भाषा ये है, उसके प्रकार, चलो आप लोग उसके बारे में लिख, मैं आपका कल टेस्ट क्या करोगे? आप ढूंढते रह जाओगे, अरे किसी की बुक लानी पड़ेगी, ये वो। पर अगर मैंने आपको बुक में उसको लिखाया है तो क्या होगा? आप तुरंत बुक उठाओगे, चैप्टर खोलोगे, चाहे वो फर्स्ट हो या लास्ट हो, आप उसको अच्छे से याद करके दूसरे दिन आओगे और उसको मेरे तक ले पहुंचा दोगे लिख कर, और उसको आपको मार्क्स देंगे। हमारे जो भी पुराने लोग थे, अभी हमको उनके बारे में पता चलता है। क्यों पता चलता है? हम लोग बोलते हैं कि हाँ, पुराना समय बहुत अच्छा था, गुरुकुल में लोग पढ़ते थे और उनके पास लेखन कार्य के लिए कुछ नहीं था। रामायण जो है हमारी बड़ी बड़ी पुस्तक है, आप लोग अभी लॉकडाउन में रामायण महाभारत के जो स्टोरीज है अब आप सबको पता भी चल गई होगी, क्योंकि पहले जब आपको पूछा जाता था तो क्योंकि आपने वो देखा ही नहीं, आप इतना टाइम जो है वो धार्मिक चीज़ों के पीछे नहीं डालते थे। अब आपको पता है कि रामायण और महाभारत, तो ये जो स्टोरीज हैं वो हमारी धार्मिक बड़ी बड़ी पुस्तक उसमें लिखी हुई है, और उसको देखकर आपने देखा ना कि पूरा जो है वो आज का समय और कभी का समय पूरा अलग है, पूरा अलग। उसमें जो है ये गदा है कि वो एक तीर डाला और बहुत सारे तीर हो गए, बहुत सारी सेना है, लोगों को मारना, लड़ाई और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, राजाओं की बातें, ये सब आपको पता चल गया कि भगवान जो है वो क्यों हम उनको इतना महत्व देते हैं, कि भगवान जो है वो क्या होता है। अब ये चीज़ें जो हमको जानने को मिलती है वो किस तरह से मिलती है? अगर पुरानी चीज़ में जो है कि ये बुक्स नहीं बनी होती, किसी ने उसको लिखा नहीं होगा, तो ये हजारों साल पहले की बात है, हम उसको अभी किस तरह से कर पाते? अभी जो भी ये महामारी है तो उसके बारे में कहीं ना कहीं हर रोज कुछ ना कुछ लिखा जाता है, तो आज से 100 साल बाद ये चीज़ नहीं होगी, पर इसकी बात जरूर होगी। क्यों? क्योंकि जरूरी है कि उसको लिखा गया है। अब ये चीजें जो है वो लिखी नहीं होती तो हमें पता चलता नहीं। तो भाषा का जो मौखिक रूप है वो बहुत थोड़े समय के लिए है, कि थोड़े समय, मैंने आज बताया, कल याद रहेगा, परसों, एक वीक, एक महीना, एक साल, पर उसके बाद तो सब भूल ही जाओगे। इसीलिए जो लिखित रूप है वो ज्यादा लंबा है और सेफ है, कि किसी को भी इतने जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए हैं, उन लोगों ने उनके शिष्यों को वो बात सिखाई और उनके शिष्यों ने वो बात लिखी कि हमारे गुरु ऐसे होते थे, ऐसे होते थे, तो वो बात हम लोग पढ़कर समझते हैं और मानते हैं। अगर हमने उस बात को समझा नहीं होता, पढ़ा नहीं होता, तो हमें भी पता नहीं होता कि होते हैं क्या सही।
है हमारे चिन्ह, कोई भी लैंग्वेज को उसमें चिन्ह दिए होते हैं। आप लोग तमिल और ये भाषा देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कौन से देश में आ गए, पर उनकी भाषा जो है वो लोग ये देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ऐसी कोई भाषा होती है। तो भले भले की लिपि भी अलग होती है पर भाषा भी अलग होती है। अब जो लिपि है उसकी डेफिनेशन फिर से, भाषा भाषा की डेफिनेशन, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों या भावों को प्रकट एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसके बाद उसके प्रकार, तो मौखिक और लिखित। लिपि, उसकी डेफिनेशन, भाषा बोलते समय मुंह से निकलने वाली ध्वनि को जो चिन्ह द्वारा हम लिखते हैं उसे लिपि कहा जाता है, उसकी पूरी डेफिनेशन। और यहाँ पर है अंग्रेजी तो उसकी रोमन लिपि, उर्दू उसकी फारसी, मराठी देवनागिरी, संस्कृत देवनागिरी, हिंदी की भी देवनागिरी लिपि ही है, पंजाबी की है गुरुमुखी, कश्मीरी की है शारदा, तमिल की तमिल और बांग्ला की बांग्ला। ये जो है वो पूरा आपको अच्छे से लिख लेना है। ये था हमारा पार्ट टू लिपि। आपको धीरे धीरे समझाया जाता है कि आप टॉपिक को पूरा क्लियरली समझ सको और इतनी ही चीज़ों को याद रखो। एक टॉपिक आपका क्लियर हो उसके बाद दूसरे टॉपिक पर जाइए।